कोई बात नहीं, ये भी मेरी तरह हिस्ट्री ज्योग्राफी में वीक है। शुक्र है मेरे ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फ्लीट एज ऐप है। ट्रक की सर्विस हिस्ट्री से लेकर सर्विस कब ड्यू है सबकी जानकारी मिल जाती है। सोच क्या रहे हो, अब ट्रैक करो, प्लान करो, एनालाइज करो। आज ही फ्लीट एज ऐप डाउनलोड करो, करो माइलेज कंट्रोल में, बिजनेस कंट्रोल में, लाइफ कंट्रोल में। क्या वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे? भाजपा ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया और उसके बाद तमाम राजनीतिक अटकलों के बीच अब खबर ये आ रही है कि वरुण गांधी ने चुनाव से दूर रहने का फैसला कर लिया है। संभवतः उनके निकटस्थ लोग ऐसा संकेत दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत शरण गंगवार, उन्होंने भी ऐसे ही इशारा कर दिया कि वरुण खुद नहीं लड़ेंगे, उनके लोग तो हमें लड़वाएंगे। मतलब वरुण गांधी नहीं, वरुण गांधी की टीम तो इधर आ गई अब साइकिल वालों की तरफ, ऐसा गंगवार साहब ने भी इंडिकेशन दिया। राजनीति में हमेशा बड़बोलेपन के शिकार रहे वरुण, अचानक से जब एक दिन बचा है पर्चा भरने में सिर्फ, इस निर्णय तक कैसे पहुंच गए कि चुनाव नहीं लड़ना? क्या उनको समझ आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारी के बिना वैतरणी पार होना मुश्किल है? अन्यथा वो निर्दलीय लड़के जीत के अपनी क्षमता सिद्ध कर सकते थे। बात समझ में भी आती, उनका कद भी बढ़ता और ये व्याख्या होती कि भाजपा ने वरुण गांधी की टिकट गलत काटी, वो इतने लोकप्रिय हैं, देखिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख वोट से निर्दलीय जीत गए। वरुण की मां मेनका गांधी इसी पीलीभीत से 2 बार निर्दलीय लोकसभा चुनी गई थी, लोकसभा सदस्य चुनी गई थी 2 बार मेनका गांधी। 6 बार वो इसी सीट से सदन पहुंची है, संसद पहुंची है मेनका। लेकिन खैर, और इस बीच में एक ये जरूर डेवलपमेंट हुआ कि कांग्रेस की ओर से अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को न्योता दे दिया कि आप लौट चले, आजा भाई, वापस आ जाओ कांग्रेस में। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कांग्रेस को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। लेकिन मसला ये कि ये बात अधीर रंजन के बोले से क्या हो, खड़गे बोले तो बात बने, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी में कोई बोले तो बात बने। वरुण गांधी का मसला इतना छोटा थोड़ा, और वरुण गांधी का मसला 10 जनपद के अलावा कोई और कैसे तय कर सकता है? वरुण की ताई के अलावा कौन वरुण का कांग्रेस में प्रवेश तय कर सकता है? कोई दूसरा नहीं तय कर सकता, सिर्फ और सिर्फ श्रीमती सोनिया गांधी। बाकी किसी के कहे का कोई ज्यादा मतलब नहीं, परिवार से बाहर कोई कैसे दखल दे सकता है? कांग्रेस में है तो परिवार का मामला है इस मसले पर। और अब एक प्रश्न ये भी उठ रहा है कि भाई समाजवादी पार्टी, कुछ लोगों ने कहा था वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी में वरुण गांधी की निभेगी नहीं, और अखिलेश जी के लिए भी ये मुश्किल होगा कि वरुण को साथ ले। स्वभावगत समस्याएं हैं वरुण गांधी में, और क्षेत्रीय दलों में जो लीडरशिप है उसका एक अपना काम करने का तरीका है, चाहे वो केसीआर हो, चाहे ममता जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, वरुण गांधी उसमें कहां फिट होते। इसलिए मामला लटक गया और अटक गया। अब 2 चीजें उत्तर प्रदेश में मुझे और दिख रही। एक, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जितनी टिकट फाइनल की है देश भर में, उसमें उसने 100 से ज्यादा सांसदों की टिकट काट दी अपने, यानी आप मानकर चलिए कि 33% से ज्यादा ही की कटौती रहेगी, एक तिहाई से।
अभी उत्तर प्रदेश में 12 टिकट संभवता बाकी हैं भाजपा के। अब देखना ये उनमें से कितने कटेंगे, वर्तमान में कितनों की उम्मीदवारी जाएगी, कितने बहाल होंगे। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, एक ओर तो वो इसमें भटक रहे कि रामपुर में क्या करें। लोग कह रहे आजम खान ने इस बार तुरुप का पत्ता चल दिया, उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि इस बार हम कैंडिडेट नहीं देंगे। बोले खान साहब, फिर बोले इस बार आप यादव परिवार से लड़ाओ रामपुर किसी को। ये बात सुनने में अच्छी है लेकिन शायद व्यवहारिक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए उतनी अच्छी नहीं हो, खासतौर पर यादव परिवार के लिए। अब कहा जा रहा है कि तेज प्रताप सिंह लड़ेंगे चुनाव रामपुर से। रामपुर अब सुरक्षित अभयारण्य नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। आजम खान ने अपने हाथ क्यों पीछे खींच लिए? क्या अखिलेश यादव ऐसा करने को तैयार होंगे? और होंगे तो फिर क्या स्थिति बनेगी? तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अब एक प्रश्न और, दूसरा यह कि समाजवादी पार्टी अपने घोषित उम्मीदवारों में बार बार परिवर्तन क्यों कर रही है? इससे भी लीडरशिप की दुविधा जाहिर होती है। कभी किसी को उम्मीदवार घोषित करते हैं पर उसकी टिकट काट के दूसरे को कर देते हैं। इससे भी पता लगता है कि नेतृत्व के स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं उलझने हैं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। लोकसभा चुनाव के दंगल में अब हर पार्टी आखिरी दांव चलकर जीत के लिए मैदान सजाने में जुटी है। इसी कड़ी में बची हुई सीटों पर भी मोहरे सजाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी की 13 नाम वाली लिस्ट ने सियासी गलियारों में ऐसा संग्राम मचाया कि कई दिग्गजों के दिल बैठ गए। दरअसल बीजेपी ने अपनी उस लिस्ट में 13 में से 9 सीटों पर नए चेहरों पर दाम लगाया। तो वहीं गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह, बरेली से संतोष गंगवार, कानपुर से पचौरी और पीलीभीत से वरुण गांधी सरीखे नेताओं का टिकट ही काट दिया। अब पचौरी और वीके सिंह का तो चुनाव ना लड़ने का लेटर सामने आ गया, लेकिन वरुण गांधी की सियासत पर बड़ा संकट आ खड़ा हुआ है। वरुण गांधी पहले ही नामांकन पत्र खरीद चुके थे, अब 27 मार्च वहां नामांकन का भी आखिरी दिन है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या होगा वरुण गांधी का अगला कदम, क्या सपा और कांग्रेस हैं आखिरी रास्ता। इसी बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है कि वरुण के आने से खुशी होगी। दबा नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनका आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। यूपी में कांग्रेस के लिए वैसे तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पारंपरिक सीट रही अमेठी रायबरेली पर अभी भी उम्मीदवार का मामला अटका हुआ है। सियासी गलियारों में तो किसी एक सीट से वरुण गांधी को उतारने की हिमायत भी की जा रही है, लेकिन मामला अभी अटका हुआ है। रायबरेली में बीजेपी भी शायद कांग्रेस उम्मीदवार के इंतजार में ही है। वैसे तो सपा के बागी मनोज पांडे और दिनेश प्रताप सिंह भी दावेदार हैं, वहीं सपाई खेमे में भी कई सीटों पर संग्राम दिख रहा है। कई सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं तो रामपुर सरीखी सीट पर मंथन के लिए अखिलेश यादव आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा पहुंचे। वहीं बदायूं पर भी कुछ उठा पटक की खबरें आ रही हैं। जनता समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से जिताएगी और उत्तर प्रदेश से जब जीतेगी तो पूरे हिंदुस्तान से हट जाएगी। सभी प्रत्याशी अपने अपने जो घोषित हो गए हैं और 2-3 दिन में सभी घोषित हो जाएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी भी तो बहुत से जगह घोषित नहीं कर पाई। इधर सीटों पर नए चेहरों पर दांव के बीच बीजेपी की बाकी बची 13 सीटों पर भी
दिग्गजों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। वहीं बीजेपी कह रही है कि 400 पार वाले मिशन के लिए शिद्दत से जुटे हैं। सियासी अगर वातावरण है, चुनाव महा मतलब एक लोकसभा का आम चुनाव है और इस समय सियासी रंग तो रहेगा ही रहेगा, और कल जो लिस्ट आई है, जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं उनको बधाई है, जिनका नाम विचार में था नहीं हो पाया उनको आगे अवसर मिलेगा, ऐसा मैं उनको विश्वास दिलाते हुए सब लोग एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लगे, यही अपील करता हूं। 400 पार प्रचंड बहुमत की फिर से मोदी सरकार। बहरहाल बीजेपी से टिकट कटने के बाद कांग्रेस ने वरुण गांधी के लिए ऑफर दे दिया। ऐसे में सवाल यही है कि अब क्या करेंगे वरुण। सवाल ये भी है कि बीजेपी के 400 वाले प्लान पर क्या है विपक्ष की रणनीति। बड़ी उलझन है मेनका और संजय गांधी के इस के पुत्र के समक्ष राजनीतिक तौर पर। मेहमानों से आपका परिचय करा दें, फराज किदवई साहब हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, फराज किदवई साहब का स्वागत है। डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता, सुधा मिश्रा जी का स्वागत है। नावेद शिकोह राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का स्वागत है। अनुभव चक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। नावेद शिकोह, बड़ा लोचा है भाई। पहले तो अनुशासन की लक्ष्मण रेखा बार बार लांघने के कारण वरुण गांधी के सामने ऐसी स्थिति पैदा हुई, अब कहा जा रहा है कि वो लड़ेंगे ही नहीं। बीच में कांग्रेस ने कह दिया कि भैया इधर आ जाओ, हमें भी खुशी होगी। उधर गंगवार साहब, सपा वाले गंगवार साहब कह रहे कि हमें लड़ाएंगे वरुण गांधी चुनाव। भाई वो क्यों लड़ेंगे, उनके सब लोग हमारी तरफ आ गए हैं। बड़ा होचपोच नहीं हो गया मामला, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या मसला बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। और एक तरफ पीलीभीत और दूसरी तरफ रामपुर, हमें लग रहा है यही दो चुनाव क्षेत्र सबसे ज्यादा उलझाए हुए हैं। सुनने में आ रहा आजम खान साहब ने यह कह दिया कि अब की हम नहीं लड़ाएंगे, अब की तुम लड़ाओ अपने घर से। अब बताइए, रामपुर पहले वाला तो रहा नहीं, अब तो वहां बड़ी कठिन हो गई डगर। और आजम भाई, आजम खान साहब ने कह दिया कि ना अब की परिवार से लड़ाओ। मामला गंभीर हो रहा है क्या वहां भी नाविशिको? जी म्यूट है शायद आपका, देखिए जी। नावेद भाई आपका वो सिस्टम म्यूट है क्या, उसको अनम्यूट करिए। महत्वपूर्ण मामले हाँ। अब समाजवादी पार्टी के जनाधार से खिसक चुका है, पिछले चुनाव इस बात की दलील दे चुके हैं। रामपुर जो सबसे बड़ा किला था मुस्लिम वोटर्स के नजरिए से और आजम खान के नजरिए से, हर नजरिए से रामपुर जो समाजवादी पार्टी की एक तरीके से एक संपत्ति थी, जनाधार का सबसे बड़ा वोट बैंक था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दिया। और आज की स्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव में सीट तय करने के लिए अखिलेश यादव जी और आजम खान जी के बीच मंथन हो रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। एक तरीके से आजम खान साहब अपना हथियार फेंके दे रहे हैं और वो पाले में गेंद यादव परिवार, अखिलेश परिवार, मुलायम परिवार के डाल रहे हैं। लेकिन अगर यादव परिवार वहां से लड़ता है तो मैं समझता हूं कि और भी आसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर बहुत एक टीस है कि कहीं ना कहीं यादव परिवार जो है और यादव जो एक जाति है वो हमारा हनन करती है, हमारे 20% वोट के ऊपर वो कब्जा कर लेती है। ये एक तरह से आजम खान साहब के बारे के मिजाज के बारे में तंज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी बातों के कई मायने होते हैं और जिस तरीके से उन्होंने मना किया है वो एक तंजिया है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला और पार्टी अब जो समझ में आए, अब जब बिल्कुल वहां का स्थितियां बहुत डावाडोर हो गई तो उन्होंने हथियार फेंक दिए और उन्होंने यादव परिवार के पाले में डाल दिया। दूसरी, वरुण गांधी की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो ये कि उनको बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद स्थितियां परिस्थितियां जो सामने आ रही हैं
वो वरुण गांधी है क्या? बहुत बड़ी हस्ती है, वो मामूली नहीं है, वो गांधी परिवार के चश्मो चराग है। एक चीज ये, दूसरी पहचान उनकी ये है कि वरुण गांधी ने एक स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने मुसलमानों के बारे में कुछ बातें कही थी, ये उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पहचान है। एक तो जेनेटिक है यानी परिवार की है, जिसमें वो गांधी परिवार के चश्मो चराग है, इसलिए उनकी बड़ी एक जेनेटिक वैल्यू है, एक खानदानी वैल्यू है। दूसरी, वो स्पीच से वो जन नेता के तौर पर उभर रहे थे और कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश के बड़े नेता भाजपा के साबित होंगे जब उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बारे में एक उनका ऑडियो एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। ये वो जमाना था जब वायरल होने का जमाना नहीं था, तब भी वो वायरल हो गया था, थोड़ी बहुत गुंजाइश जो है वो बढ़ गई थी। ऐसे में अब वरुण करेंगे क्या भाई? ऐसा तो नहीं भरी जवानी में अब राजनीतिक करियर वो खत्म कर लेंगे, लोकसभा नहीं लड़ेंगे। उनके पास अभी जो मुझे लगता है कि एक रास्ता है, एक तो सबसे बड़ी समझदारी बीजेपी ने यही कि माँ को अपने पालने में रखा और वरुण को किनारे कर दिया, जबकि इन दोनों माता और पुत्र के बीच में बहुत अच्छी पॉलिटिकल समझदारी भी है, दोनों के बीच में बड़ा सामंजस्य है, दोनों अलग नहीं हो सकते। और दूसरी बात ये कि अब समाजवादी पार्टी में जहां पर एक अखिलेश यादव जी का वन मैन एक शो है, वहां पर वरुण गांधी को अहमियत कुछ नहीं मिल सकती। कांग्रेस में उनका जाना एक बहुत बड़ी बात होगी, वो सोनिया जी की रजामंदी से ही होगा। ठीक, वो ठीक नावेद भाई, अभी रुकना होगा। अनुभव चक साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अनुभव चक साहब का स्वागत है। मैं ठीक है नावेद भाई, मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा के पास चलूंगा। सुधा जी, अधीर रंजन चौधरी ने थोड़ा सेंसेशन बढ़ा दिया ये कह के कि वरुण गांधी बड़े नेता हैं और गांधी परिवार से हैं, वो आ जाएंगे तो बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी। क्या स्थिति है वरुण गांधी को लेकर कांग्रेस के भीतर? जी नमस्कार अंताप जी, नमस्कार, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को शुभकामनाएं, और भगवान से प्रार्थना है कि शुभ ही शुभ हो इस देश के लिए, हम सब के लिए। बात कर रहे थे आप वरुण गांधी जी की, जाहिर सी बात है जिस तरह से उन्होंने राजनीतिक करियर अपना शुरू किया और जिस तरह से राजनीतिक हो रहे हैं कि सच को सच बोलने की शक्ति जिसके अंदर हो, नेता देश में ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का हो। मैं हमेशा इस बात को कि जो युवा चेहरे हों और वो सच को सीधे आंख मिला के कह सकें कि ये गलत और ये सही, ऐसे लोगों की जरूरत है। क्योंकि जब पत्रकारिता में अमिताभ जी आप देखेंगे, पत्रकार बहुत होते हैं लेकिन तटस्थ होकर दोनों के बीच किस तथ्यों को निकाल के सही बात बोल पाना सबके अंदर की बात नहीं होती है। तो बहुत से नेता होते हैं लेकिन उन नेताओं के बीच में सच बोलने वाला चाहे जहां भी हो, और अगर वो उनको टिकट नहीं मिला है, और अभी उनकी तो शुरुआत है राजनीतिक रूप से, जिस तरह वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत संभावनाएं हैं इस देश के लिए, उनके लिए, उनके राजनीतिक करियर के लिए। तो जाहिर सी बात है हम भी चाहेंगे कि अगर उनको लोकसभा का, क्योंकि राजनीतिक रूप से जब कोई राजनीति में आता है तो चुनाव लड़ना उसका एक उद्देश्य होता ही होता है, क्योंकि व्यक्ति जब भी आएगा तो चुनाव तो लड़ना है ना, जनता की सेवा करने के लिए वो कुछ ना कुछ तो करेगा। तो अगर उनको टिकट नहीं मिला है तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सच के साथ आंख मिला के सच को बोलने की ताकत दिखाई है इस देश में, चाहे किसानों का हो, चाहे गरीबों की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, सदा बोलते रहे। बिल्कुल, अगर वो आएंगे तो बेहतर तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फराज भाई के पास चलूं, फिर अनुभव जी के पास चलूं, उनका अनुभव समझूं, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा कि ये सब जानते हैं कि ना तो खड़गे जी फैसला कर सकते वरुण गांधी पर, व्यवहारिक सच बता रहा हूं, थियोरिटिकल मत फंसाना मुझे, ना खड़गे जी ना अधीर रंजन, कोई नहीं कर सकता। फैसला कौन करेंगे? प्रियंका, सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका। ठीक, चौथा कोई फैसला नहीं कर सकता, ना CWC ना कोई। तो ये बात वहीं से आ जानी चाहिए थी, झंझट कटे मिटे सब पीरा गंगा नहा लेते। और सुधा जी कह रही थी कि वो बड़े आंखों में आंख क्या बता रही डाल की बात करते हैं, बड़ी बहादुर नौजवान है वरुण गांधी, हालांकि अब नौजवान तो नहीं, लेकिन हाँ चलो, उनका एक 2009 का वीडियो है जो कांग्रेस के यहां फंस जाएगा तो ना उगले बनेगा ना निगले बनेगा, उनने कहा था हाथ काट देंगे हाथ वरुण गांधी मंच से माइक पे। ठीक, अन्य आप सुधा भी नहीं आएंगे ना, ये अंताक्षरी नहीं बात में। ठीक, वो गले में फंस जाएगा जब मनमोहन सिंह कहेंगे कि भाई अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, तो पीछे से भाजपा वाले वो टेप बजा देंगे क्या कि हम हाथ काट देंगे। यार सुधा अभी नहीं, अंताक्षरी नहीं खेलो, आएंगे आपके पास तब बोलेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना, रुकना होगा। इसलिए ये वरुण गांधी अनगाइडेड मिसाइल है,
क्या उनका रिमोट नहीं बन सकता? बेदौलत रसा अपने उनके फाटा तंग भैया। खैर चलिए ठीक है। आप फराज किदवई साहब, आप के लिए मुझे एक सब, आपने पीलीभीत में तो भाई क्लियर करा दिया, गंगवार साहब ने कह दिया कि वरुण गांधी के सारे लोग हमारे पीछे आ गए, उनने कहा चाचा हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे, क्लियर भाई, हमारी तरफ से कोई लेना देना नहीं, बाकी कांग्रेस जाने, सपा ने क्लियर कर दिया। और वैसे भी अखिलेश यादव के टेम्परामेंट में वरुण गांधी कहीं एडजस्ट नहीं हो सकते, ये मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर पर, संभव ही नहीं। मेरी बात की पुष्टि नावेद भी करेंगे, क्या वहां तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी पांच ही मिनट में, क्योंकि वहां भी जवानी कुर्बान है, आप जानते ही हो। नावेद गलत तो नहीं कह रहा, वहां वरुण गांधी तो पांच मिनट नहीं चल पाएंगे, ये जान लीजिए सपा में। तो खैर उनने क्लियर कर दिया। अब मसला खड़ा होता है फराज भाई, आपसे मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो आजम खान साहब ने गुगली फेंकी है, नावेद उसको बता रहे हैं कि वो तंज है, उनने ये नहीं कहा सपा का मतलब कोई दूसरा लड़ा दो आप तय कर लो, उनने कहा यादव परिवार से लड़ाओ। फराज किदवई साहब, जब तक आजम रामपुर जीत किला रहा सपा का, तब तक आजम खान साहब ने खुद तय किया या खुद लड़े, जब भाजपा का को विजय मिल गई तो उन्हें अखिलेश यादव से कहा कि अपने परिवार का कोई बालक लाओ और उसको लड़ाओ। फराज किदवई साहब कैसे देखें इसको? जी आजम खान साहब, पहले तो आप लोगों सबको होली की बहुत बहुत आपको भी आपको भी जी। अमिताभ जी, जहां तक रही बात आजम खान साहब की, तो आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं और श्रद्धेय नेता जी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को खींचा है और हम सबके बहुत ही ज्यादा सम्मानित नेता हैं। नवेद भाई की बात, एक बात से मैं सहमत नहीं हूं नवेद साहब की बात से, अमिताभ जी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में सेंध लगा दी। भारतीय जनता पार्टी ने नवेद भाई सेंध नहीं लगाई है, सेंध लगाई है रामपुर के प्रशासन ने और भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन ने। उसकी वजह यह है कि जब अभी बाय इलेक्शन हुआ था तो रामपुर में 31% वोट पड़ा था मात्र, और उसी टाइम पे बहुत सारे चुनाव हो रहे थे जिसमें पद्मापुर था उड़ीसा में, वहां 76% वोट पड़ा था, सरदार शहर था राजस्थान में, वहां 70% वोट पड़ा था, और तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन हुए थे जहां 65-70% वोट पड़ा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन को यूज करके हमारे जो वोट पॉकेट्स थे उनको वहां पर वोट नहीं पड़ने दिया और एक तरह से इलेक्शन को हैक कर लिया। रामपुर में आज भी समाजवादी पार्टी को चाहने वाले लाखों लोग हैं और फिर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहां से हम रामपुर में जीतेंगे पहली बार। दूसरी बात, अभी एक बड़ी देखिए इंपॉर्टेंट बात आपकी इस डिस्कशन में हुई अमिताभ जी, नवेद भाई ने वरुण गांधी जी को बोला कि गांधी परिवार के और संजय गांधी जी के चश्मो चराग, यानी कि संजय गांधी जी के चश्मो चराग और इंदिरा गांधी जी की बहू को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने सांसद बनाया और बार बार उनको मंत्री बनाया, एक दो बार मुझे लगता है मेनका जी को मंत्री भी बनाया। इसका मतलब ये है कि जो नेहरू जी को इंदिरा जी को ये लोग पानी पी पी करके कोसते रहते हैं, इसका मतलब नेहरू जी और इंदिरा जी के कामों को वो ऑथेंटिकेट करते हैं और परिवारवाद की जो ये लोग बातें किया करते हैं, इस बात से ये साबित होता है कि भारतीय अगर सबसे ज्यादा कहीं परिवारवाद है तो वो भारतीय जनता पार्टी। ठीक, दूसरी बात आगे दोनों बातें आ गई, अब तो दोनों आ गई। आपने आजम खान वाली बात पूरी नहीं बताई, खैर चलो आपने उसमें आंकड़ा बता दिया, एक चीज आप मिस कर गए, मैं फिर अनुभव चक के पास आऊंगा। उसके बाद जहां से आजम भाई के लड़के विधायक हुआ करते थे वहां भी बाई इलेक्शन हुआ, वहां और बुरी तरह हार गए। अरे रुको भाई, ऐसे दोबारा आएंगे आपके पास तब, ऐसे नहीं, नो दिस, ये मेरे शो का तरीके नहीं मित्र, नोट कर लीजिए ना, कागज रहता आपके पास तो नोट कर लीजिए कि हमको क्या कहना अगली बार। आजम खान किस मुश्किल से गुजर रहे हैं हमको मालूम है, और रामपुर का मिजाज क्या हो गया ये भी मालूम है मित्र फराज भाई, 31% और 41% ना समझाइए। आजम खान की दुर्दशा देख के वहां कोई वोट देने निकला ही नहीं, इसकी जिम्मेदारी दूसरा लेगा, और आपने कितना वहां आजम खान के लिए आंदोलन किया रामपुर में समाजवादी पार्टी ने, हमको पता है और शायद नावेद को भी पता होगा कि आपने वहां कितने सड़कों पर लटकाए हैं।
सिपाही और दरोगा उनको जीप में डाल के घुमा लेके जा रहे हैं और आप लोग ट्विटर पर खेल रहे थे, तो क्या कहेंगे आजम खान? यही कहेंगे कि भाई तुम लड़ाओ, अपने परिवार के लोगों को लड़ाओ, हम तो भर पाए। मसला ये है मित्र। खैर, अनुभव चक, आप लोग भी गजब करते हो। अब पहला एक तो प्रश्न रहेगा, वरुण गांधी को टिकट क्यों काट दिया, एक दूसरा आपसे मेरा एक विशेष प्रश्न ये था कि आप लोग जो काम करते हो उसको थोड़ा सोवर ढंग से नहीं कर सकते? मान लो करना जो है वो जो मन ठान लिया करोगे वो ही, लेकिन थोड़ा दिखावटी ढंग से ही सोवर कर लो। जैसे 7:30 बजे चिट्ठी मान ली किसी ने लिखी कि मेरा मन भर गया, अब चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, और 8 बजे उसका रिप्लेसमेंट सूची में जारी हो गया। ये पहले क्यों नहीं चिट्ठी जारी करवा देते हो जिन जिनका मन भर गया उनसे, चाहे सत्यदेव पचौरी हो चाहे बीके सिंह हो, और हम कह रहे चलो जितना हो गया हो गया। अब जो 12 बचे हैं मुझे लग रहा उनको भी कुछ 2-4 को चिट्ठी जारी करनी पड़ेगी क्या? अब पहले करा दूं, इतना ऑब्वियस करा देते हो। नहीं, 7:45 बजे बीके सिंह लिख रहे हैं कि मैं सामान्य नागरिक की तरह सेवा करना चाहता हूं, और 8 बजे उनकी टिकट अतुल गर्ग को दे दी जाती है। नहीं तो जनता को बुड़बक समझ रहे हो क्या भैया? अनुभव चक, बेहतर ये नहीं हो कि सबको एक ही बार में टेलीफोन कर दो कि भाई तुम लोगों को टिकट नहीं दे रहे, अपनी अपनी चिट्ठी जारी कर दो, हफ्ता भर का मार्जिन तो रखो, कुछ शोभा लगे। नहीं, चिट्ठी जारी करने वाले की भी इज्जत बचे। अनुभव चक साहब, देखिए अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर चाहे हमारे कोई सांसद हो चाहे वो बड़े से बड़े नेता हो, लेकिन जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय कर लेता है और उसको ये लगता है कि यहाँ पर आपको टिकट ना देके हम किसी अन्य कार्यकर्ता को टिकट देंगे, तो वहाँ पर कहीं पर भी ये हलचल होते हुए नहीं दिखाई देती कि हम बड़ा असंतुष्ट है या हम इस पार्टी को छोड़ के किसी और पार्टी को अपना ठिकाना बना लेंगे। सभी उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हैं और बड़े से बड़े दिग्गज नेता का टिकट काट के साधारण कार्यकर्ता को भी अगर टिकट दे दिया जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का उस क्षेत्र का कार्यकर्ता उसी को जो कार्यकर्ता को जो टिकट लेकर आया होता है उसको उसी तरह से टिकट लड़ा उसी तरह से चुनाव लड़ाता है जैसे वो सांसद को लड़ाता चला आया था जी। ये हमारी पार्टी का एक खूबसूरती है कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं को संगठन के प्रति जवाबदेह बनाया है, संगठन से इतना ज्यादा जुड़ाव लगा कर दिया गया है कि पार्टी नेतृत्व किसी ने नहीं, मैंने इसमें सवाल ही नहीं उठाया कि आपका जुड़ाव कितना, मैं तो कह रहा आपका सारा जुड़ाव। मैं कह रहा हूं मान लीजिए अब कल आप केसरगंज की टिकट बदलो तो 7 बजे टिकट अनाउंस करो, 7:45 पर चिट्ठी लिखवाओ उनसे, इससे अच्छा आज ही घोषणा करा दो कि भाई चिट्ठी लिख दो, नहीं तो थोड़ा सम्मान बच जाएगा, बाकी तो फिर आप मालिक हो, आपकी पार्टी है। मैं सिर्फ ये कह रहा था। देखिए अमिताभ जी, जिनका भी टिकट कटा है उनका सम्मान पार्टी में सुरक्षित है और इसी वजह से वो पार्टी के अंदर अपनी निष्ठा के साथ जो जिनको टिकट दिया गया उनको चुनाव लड़ाने में भी जुटे हैं, वो कहीं अपने आप को साइड लाइन और हटा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं कि हमको पार्टी ने साइड लाइन कर दिया है, बल्कि वो सभी जिनको जिनको सिंबल मिला है खुद घर जाके उनके बधाई दे रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव लड़ते हैं। अनुभव चक जी, ऐसा ऐसा अनुशासित सिपाही वाला दृश्य जो साफ करो भाजपा में सब में डीप रूटेड है, वैसा फिर वरुण गांधी ने क्यों नहीं जताया? उनको भी चिट्ठी जारी करनी चाहिए थी नहीं, बीके सिंह की तरह। अमिताभ जी आपका प्रश्न साफ नहीं है सुनाई। मैं कह रहा हूं जो सत्यदेव पचौरी और बीके सिंह ने चिट्ठी लिखी वैसी एक चिट्ठी वरुण गांधी को भी जारी करनी चाहिए थी नहीं? इसी से तो अमिताभ जी जो बात साबित होनी चाहिए, जो अभी आपका प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लिखवा लेती, इसी से तो साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी चिट्ठी नहीं लिखा ले रही है। जो जो सांसद थे उनमें से जिनको चिट्ठी लिखने की इच्छा हुई उन्होंने लिख दी, जब तक उनको प्रयास करना तो उन्होंने करा, जब उनको लगा हमारा प्रयास सफल नहीं हो रहा है तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी, और उसके बाद जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको लग रहा होगा कि हम अभी कुछ और भी कर सकते हैं तो अपने प्रयास कर रहे होंगे, उन्होंने नहीं लिखी। भारतीय जनता पार्टी ना किसी चिट्ठी लिखने को कहती है ना किसी पर यह दबाव डालती है कि आप चिट्ठी ना लिखो, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, हमने टिकट दे दिया तो आपकी इच्छा हो तो आप चुनाव लड़ाइए, और आपके मन में कुछ और चल रहा हो तो वो फिर जनता देखेगी। ठीक है भाई, नवेश को यही सवाल आपसे भी लूंगा, राजनीतिक लोगों की तो अपनी सीमा होती है स्वाभाविक भी, कि मैं कह रहा हूं
सबको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 3 दिन पहले हमको टिकट की प्रक्रिया पता है सारी पार्टियों की, सभी में मित्र लोग हैं, प्रोसेस हम लोगों को पता ही होता है, 5 मिनट पहले तो फैसला होता नहीं है। भाई नवीन जिंदल 7:45 भाजपा में आए, 8 बजे उनका टिकट कुरुक्षेत्र से टाइप होके लिस्ट में आ गया, तो ऐसा थोड़ी कि 15 मिनट में बैठक चर्चा हो गई, उनका आना भी पहले से तय था और टिकट लड़ेंगे ये भी तय था। मैं कह रहा हूं कि चिट्ठी जो होती है वैराग्य वाली, इसको टाइमली जारी करें तो ज्यादा और अच्छा रहे। नहीं जी, ये बड़ी वैराग्य की चिट्ठी, इसका टाइम इतना आसपास होता है कि वो फिर मजाक नहीं आता। नहीं, ये जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के मैनेजमेंट की तारीफ करते हैं उसका ये एक बड़ा हमें तो एरर नजर आता है। ये आखिर क्या है? देखिए, ये तो होता है कि बगावत नजर आती है बड़े बड़े दलों में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी बहुत संभाले हुए है, एक एक सीट के लिए 50-50 लोग वहां पर लाइन लगाए हुए हैं, बड़े बड़े नेता हैं उनके पास, लेकिन ये चिट्ठी बम जो चल रहा है ना, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन और रणनीति के विपरीत है। कि जितनी खूबियों को हम लोग बयान करते हैं वो इसलिए बयान करते हैं कि वो खूबियां हैं, लेकिन ये भी एक कमी है इसको बयान करना, और इसकी चर्चा आप कर ही रहे हो। आपको लग रहा है कि ये क्या ड्रामा हो रहा है, ये चिट्ठी वाला ड्रामा क्या हो रहा है? सारी चीजें तय होती हैं, उसके बाद आप ऐसा मौका क्यों दे रहे हो कि उससे देके उसके दूसरे अलग मायने निकल रहे हैं। एक चीज मैं फराज भाई की बात को दोहराना चाहूंगा, और फराज भाई की बात से मैं थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाता हूँ। फराज भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा कि रामपुर में भाजपा नहीं जीती थी, प्रशासन जीता था। मैं थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से मान लेता हूं, भारतीय ये समाजवादी पार्टी का पुराना दर्द है और फराज भाई ने उसको दोहराया है। चलिए ठीक है, वहां पर वोट जो है प्रशासन ने मुसलमानों को नहीं डालने दिए, समाजवादी जो वोटर है उनको नहीं डालने दिए, ये थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 चुनाव थे बड़े महत्वपूर्ण, एक मैनपुरी और एक आजम खान साहब का जो गढ़ है रामपुर। अब ये बताइए कि एक जगह नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत का सवाल था, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल था, और एक तरफ था आजम खान साहब की प्रतिष्ठा का सवाल। और समाजवादी पार्टी को यह डर था, शुरू से वो ये कह रहे थे कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी बेमानी करेगी, प्रशासन हमें हरा देगा और हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया जाएगा, जो उन्होंने पहले कह दिया था, समाजवादी पार्टी के हर बड़े नेता ने कह दिया था। जब चुनाव हुए तो मैनपुरी में समाजवादी कुनबा ही नहीं, यादव कुनबा, यादव परिवार के जितने बड़े बड़े नेता हैं, जितने जनाधार वाले डंडा लेके खड़े हो गए थे, और उन्होंने कहा भी, शिवपाल जी का तो ये बयान था कि मैंने पुलिस की चलने नहीं दी, हमारे कार्यकर्ता और हमारा यादव परिवार, हमारे सारे बड़े नेता ऐसे चट्टान की तरह खड़े हो गए कि बेमानी होने ही नहीं दी, सारा वोट पड़वाया। मैनपुरी में नेताजी की विरासत पूरी तरीके से चमक गई, ऐतिहासिक जीत हुई और डिंपल जी जीती। वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन नहीं जीत पाया, लेकिन रामपुर लावारिस था। राम, यही तंज है, यही दर्द है आजम खान का कि वहां लावारिस था, वहां पर यादव परिवार। ठीक है नवेद, आपने अपनी अपनी बात बहुत खूबी से रख दी। मैं इसमें एक बात और जोड़ के सुधा जी के पास जाऊंगा, फिर फराज जी को तब थोड़ा टाइम दूंगा, उसका उत्तर फ्रेम कर ले। मसला केवल मैनपुरी का नहीं, मैं मैनपुरी को एक्सेप्शनल भी रखता हूँ, एक्सेप्शन केस मानता हूँ। मुलायम सिंह जी का निधन हुआ था आजमगढ़ में, क्या वहां का सपा की सरकार थी? नहीं ना, बाकी जब वोट पड़ गया आपका, हार गए आप, लेकिन वोट परसेंटेज तो खूब गया आजमगढ़ में, कोई समस्या नहीं रही। तब वहां वोट पड़ गया, रामपुर में नहीं पड़ पाया। एक नपना रखो मित्र। खैर सुधा जी, आप उस वक्त कुछ कहना चाह रही थी। जी अमिताभ जी, आपने कोट किया था मनमोहन सिंह का, और जब भी इस तरह की कोई कोटिंग हो ना, तो पूरी पूरी बात आनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब भी ऐसे भाषणों की बात होती है उसमें आधी अधूरी बात को लाके किसी को कोट करने की जरूरत नहीं होती। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था, कई बार कई जगहों पे इस बारे में बातें हो चुकी है, उन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यकों की बात की, राजीव गांधी ने या मनमोहन जी ने, तो आप लोगों को ये आधा कोट करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, कौन सा ऐसा नेता है अमिताभ जी, आप मुझे बता दीजिए, जो अगर किसी पार्टी से किसी और पार्टी में आता है तो उसने उस पार्टी के बारे में बात नहीं की। आप अभी छोड़ दीजिए ना, राजभर जी की बात कर लीजिए, वो क्या क्या बात कर रहे थे, तो क्या योगी जी के गले का फांस बना क्या? नहीं बना ना। तो अगर कांग्रेस के लिए प्रश्न करना है तो ये प्रश्न स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके देश में संविधान में इस पार्टी से उस पार्टी में लोग जाते हैं। अगर बारूद गांधी जी आते हैं तो देश के भले की बात है,
और ऐसे नेताओं का स्वागत करने में कांग्रेस को खुशी होगी, क्योंकि हम सच के साथ खड़े हैं। रोजगार की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं, और भाजपा इन सारे न्यायों से परे है। उसको मात्र जीतना है 24/7, उसको मात्र अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कुछ भी करना पड़े जी। और यहाँ तक कि जो जनरल हमारे देश के थे, जो सैनिक थे, उनको कहना पड़ रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिल्ली में हमारे हर्षवर्धन जी को करना पड़ता है हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, कि टिकट काट देते हैं लोग। तो जिस तरह से ये लोग सम्मान असम्मान के बीच में लोगों को तौलते हैं, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। ठीक है सुधा जी, इनने तो टिकट काट दिए, एक स्थिति ये, तब उनने चिट्ठी लिख के चलो अपनी मामला से। कांग्रेस में खड़गे जी बुला बुला बोले, भैया लड़ो, बड़े बूढ़ो तुम लोगों ने इतने साल सत्ता भोगी, चुनाव तो लड़ो। कमलनाथ हाथ उठा दिए, अशोक गहलोत हाथ उठा दिए, सब हाथ उठा दिए, बोले ना हम नहीं लड़ेंगे, नई पीढ़ी को लड़ाओ। वह लड़ने को तैयार नहीं, अब खड़गे जी खुद लड़ने को तैयार नहीं, दोनों तरफ स्थितियां। अब एक बात कही थी सुधा जी ने कि राजभर, अगर वरुण गांधी इंदिरा गांधी के पुत्र का पुत्र ओम प्रकाश राजभर के बराबर है तो फिर मैं प्रणाम करूंगा, बहस ही खत्म हुई। क्या ये गांधी परिवार अगर ओम प्रकाश और अरुण के बराबर है तो मेरा प्रणाम गांधी परिवार को, वरुण सुधा जी बहस शास्त्रार्थ नहीं, शास्त्रार्थ नहीं, ठीक, मेरा प्रणाम अगर वरुण गांधी। लेकिन मुझे पता नहीं सुधा जी ने देखा कि नहीं देखा, जिन लोगों को वरुण से आमने सामने बात करने का अवसर मिला होगा वो जानते हैं कि वरुण का मिजाज क्या है और तेवर क्या है। मुझे पता नहीं सुधा जी को मिला कि नहीं मिला, लेकिन जिनको मिला है वो, मैं एक उदाहरण दे दूं, अरुण नेहरू, नावेद शिको, अरुण नेहरू गांधी परिवार के ही हिस्से थे। अरुण नेहरू की एक स्टाइल थी, मैंने सुबह भी कहा था, फराज भाई आप भी सुनिए, आगे आगे कभी हो सकता कभी गठबंधन ना रहे तो काम आ जाएगी ये बात, अभी तो गठबंधन है तो कोई दिक्कत नहीं, बंधन कब खुल जाए क्या पता। अरुण नेहरू कहते थे नारायण दत्त तिवारी के लिए, बताइए जवाहरलाल जी के समय के तिवारी जी कहते थे एनडी को बुलाओ, विश्वनाथ किधर है विश्वनाथ को बुलाओ। क्या ये अरुण नेहरू की शैली थी बात करने की? ऐसी ही शैली के धनी हैं छोटे भैया, मसला यह भी है। इसलिए उनको राजभर जी से तुलना करके आप राजभर जी को बड़ा किए दे रहे हैं, राजभर जी प्रसन्न होंगे ये सुन के कि उनको आज वरुण गांधी के एट पार रख दिया गया। खैर फराज किदवई साहब, हम लोग फिर वहीं लौटते हैं कि रामपुर में पुलिस ने वोट नहीं पड़ने दिया लेकिन आजमगढ़ में पड़ने दिया और मैनपुरी में वोट खूब पड़े, इसकी लिए पुलिस ने कोशिश की क्या? खूब वोट पड़े, कौन सा डेटा है बताइए, कितना परसेंट वोट पड़ा था आजमगढ़ में और कितना परसेंट वोट पड़ा था? आपने बताया क्या 31% वोट पड़ा था आजमगढ़ में, मैनपुरी, मैनपुरी पड़ा था, नहीं नहीं 31% वोट पड़ा था रामपुर में और 50% से कम पड़ा था आजमगढ़ में और मैनपुरी दोनों का। ये वोट पड़ना चाहिए था कम से कम 65-70% के बीच में, लेकिन प्रशासन ने चुन चुन करके हमारे उन इलाकों में सख्ती की और वोट नहीं पड़ने दिया। मैं फिर से ये बात कह रहा हूँ, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो इनकी शैली, अमिताभ जी अभी हम लोग बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि इनका टिकट काटा उनका टिकट काटा, दो बातें हैं देखिए अमिताभ जी, पहली बात तो ये है कि बिहार की अगर आप लिस्ट देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की, तो वहां मुझे लगता है शायद एक भी टिकट नहीं कटा और उत्तर प्रदेश में तमाम टिकट काट दिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की कार्यप्रणाली से खुश नहीं थी और उनको लग रहा था कि वो चुनाव हार जाए। दूसरी बात, उनको भारतीय जनता पार्टी को टिकट काटने, इतने ज्यादा टिकट क्यों काटे जा रहे हैं भाई, ये लोग बोलते हैं ना कि मोदी साहब का चेहरा ही काफी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये पूरी तरह से एहसास है कि अब मोदी जी का चेहरा इलेक्शन विनिंग फेस नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरएसएस का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने बाकायदा एक लेख में लिखा अमिताभ जी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की एक शैली है वो मार्गदर्शक मंडल बनाते हैं और उसी मार्गदर्शक मंडल में इस बार मीनाक्षी लेखी, वरुण गांधी, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश गुदगुड़ी, जयंत सिन्हा, नितिन पटेल, गौतम गंभीर, हमारी डिबेट खत्म हो जाएगी मगर ये नाम नहीं। 102 टिकट काटे हैं अभी तक, मैंने आपको बता दिया नंबर, इसलिए नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, 102 टिकट बीजेपी ने रिप्लेस की है जी, जिसमें उत्तर प्रदेश में अमिताभ जी खास कृपा है
और उन तमाम लोगों के जनरल वीके सिंह का भी टिकट काट दिया गया। तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस टाइम बुरी तरह से डरी हुई है। अच्छा। और इसलिए भी डरी हुई है कि मोदी साहब के भ्रष्टाचार की गारंटी जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो जग जाहिर हुई है, अमिताभ जी और हमको, नवेद भाई को, हमारी कांग्रेस की बहन को, सबको पता चला है, जनता में ये अच्छी तरह से पहुंच गया है, ये मैसेज पहुंच गया है कि जो भ्रष्टाचार की गारंटी जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने दी, जनता बिल्कुल बैठ तवानी, जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, तवानी बैठी हुई है कि किस तरह से 2024 के इलेक्शन आए और इस भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं फराज भाई के अभी किसी बात का प्रतिवाद नहीं करूंगा, उनकी बात उन्होंने कही, उनको लगा होगा ऐसा, इसीलिए कहा उन्होंने। 4 जून को फिर दाएं बाएं भागने की अनुमति नहीं होगी। 4 जून को जनादेश आ जाएगा, पता लग जाएगा उत्तर प्रदेश में किसकी चल रही किसकी नहीं चल रही, जनता किसके पीछे खड़ी है। तब ये गली में छुपने की कोशिश मत करना भाई, कोई देखो क्या कि पेड़ के पीछे छुप जाओ, ये मत करिएगा कि यहां 31% क्यों पड़ा, वहां 33% क्यों नहीं पड़ा, वहां रामलाल ने वोट क्यों डाला, वहां मांगूलाल को क्यों नहीं डालने दिया, ये सब मत करिएगा ना, माफ करिए ना। बड़ा दिल लेके बैठिएगा या तो मिठाई खाइएगा, माफी मांगिएगा, ये थेतरा ही मत करिएगा 4 जून को ना। क्या अखिलेश जी ने ये कहा, मायावती जी वो बोली, फलान ने ये कहा, ढिकानी, सब कुछ नहीं। आप जीत जाए आप कीजिए, आप हार जाएंगे आप कटघरे में खड़े होंगे, इतनी सी बात है, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं। खैर भैया अनुभव चक जी, समाजवादी पार्टी को इस बात से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मामला गड़बड़ हो गया, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल संकट में फंस गई कि उसने टिकट चेंज कर दिए। हालांकि अखिलेश जी की पार्टी टिकट काट तो नहीं रही है, लेकिन रोज दैनिक आधार पर 2-3 चुनाव क्षेत्रों में टिकट बदल रही है। पहले पता लगा फराज कित भाई को दिया, फिर नावे शिको का कर दिया, फिर नावे शिको को छोड़कर सुधा मिश्रा को दे दिया, ऐसा जरूर कर रही तेजी के साथ। तो वहां से भी ये समझ में आ रहा है कि मामला कहीं कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन आपके लिए वो घोषणा कर रहे हैं कि भाई भाजपा का मामला खराब है इसीलिए इतने टिकट काटे जा रहे हैं। अनुभव चक्र पार्टी के जो साथी हैं, अगर उनकी सोच ऐसी है तो उनकी सोच उनको मुबारक, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जो जमीनी हकीकत देख रही है, उस आधार पर 2014 हो, 2017 हो, 2019 हो, 2022 हो, और अब 2024 जो होने जा रहा है, इन चुनावों में लगातार वोट करती जा रही है। जहां तक अभी बात हो रही थी मैनपुरी और आजमगढ़ की, बड़ी हंसी लग रही थी कि 2000 जो इसमें जो मैनपुरी का बाई इलेक्शन हुआ, इसमें जनता के वोट पड़ने नहीं दिए गए। अमिताभ जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने देखा कि 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस होता है और उस अलायंस में वोट पड़ने से रोका नहीं जाता, तो मुलायम सिंह जी किस तरीके से बड़ा गिरते पड़ते जीतने पाए थे, और जब वोट पड़ने नहीं दिया जाता, उनके वोट रोके जाते हैं, तब लाखों वोट से जीत हो जाती है, ऐसा कहीं संभव है? वो भी मुलायम सिंह जी 90,000 से, अगर मैं सही याद कर पाऊं, जीत पाए थे, वो भी तब जब मायावती वहां रैली करने गई थी, वोट मांगने गई थी, मुलायम सिंह जी बिल्कुल वही कह रहे हैं। इस बार वोटों का अंतर लाखों का हो जाता है, तो क्या वोट रोके जाते हैं तो वोटों का अंतर बढ़ जाता है? अमिताभ जी बड़ी हास्यास्पद बात, मतलब हमारे फेवर की अगर बात नहीं आई है तो किस तरीके से आंकड़ों से खेला जाता है, उसी में समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दल लगे रहते हैं, ये नहीं देख रहे कि जमीनी हकीकत क्या है, कहां हमसे कमी रह जा रही है, और उस कमी को ढूंढ के उसको सुधार करें, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए बड़ा आवश्यक है कि विपक्ष का भी बड़ा मजबूत होना चाहिए, वो हो नहीं पा रहा। दूसरी बात, जहां तक अभी टिकटों के बारे में हो रही थी, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जिनको सिंबल दिया गया और सिंबल मिलने के बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और इसी वजह से बार बार टिकट बदलने की नौबत आ रही है, कई जगहों पर आ रहा है। और तीसरी बात जो हमारी बहन ने अभी एक कही थी वरुण गांधी के संबंध में, अमिताभ जी कानपुर के बारे में आप भी जानते हैं, जिस गले में अटकने की बात आप कर रहे थे, उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। बद्री नारायण तिवारी जी जो अब स्वर्गीय हैं, और तुलसी वाला वो भी चलाते थे, अभियान भी चलाते थे, वरिष्ठ हिंदूवादी नेता माने जाते थे और कांग्रेस के थे, 2006 में उनका टिकट मेयर के लिए हो जाता है, और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आए नीरज चतुर्वेदी जी का टिकट हो जाता है। उसका क्या विकट परिणाम हुआ था उन बस्तियों में जिनकी आप गले में फांस अटकने की बात कर रहे हैं, चारों तरफ नारा चला था, नीचे आई ऊपर भाई,
जबकि उनका कोई स्टेटमेंट भी हाथ काटने जैसा नहीं था। तो ये सच्चाई है कि गले में जो अटकने की आप बात कर रहे थे वो जमीनी बात है, और वो पार्टी का नेतृत्व भी जानता है जिनसे जुड़ने की बात कर रहे थे अभी। जी नावेश को समाजवादी पार्टी को ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों करना पड़ा, टिकटों में दिख रहा है उसकी, सोमवार को टिकट दिया, बुध को बदल दिया, क्यों? और ऐसा एक दो सीट नहीं, कई जगह हो रहा है, और जहां नहीं हो रहा है वो सीटें भी अंडर क्लाउड है, उनमें भी धुंध है। इवन बदायूं जैसी सीट, प्राइम सीट पर भी धुंध साफ नहीं हो पाई। शिवपाल जी ने कहा 26 साल में अखिलेश यादव लोकसभा के चुनाव लड़ने गए थे, तो हम तो चाहते हैं कि नौजवानों को बढ़ाया जाए बदायूं से भी आगे। ये बार बार टिकट क्यों बदले जा रहे हैं, आपको क्या लगता है इसके पीछे? ऐसा तो नहीं कि नींद में टिकट बांटे गए, जिसको दिया गया है पहली बार उसको सोच समझ के दिया गया होगा, फिर उसको बदलने की नौबत क्यों आ रही है विद इन अ वीक या विद इन 3-4 डेज? देखिए एक सवाल उठ रहा था कि टिकट बंटवारे में विपक्ष बहुत कमजोर है और बहुत सो रहा है, तो अखिलेश यादव ने तेजी दिखाई और बहुत सारे टिकट तय कर लिए उन्होंने। उसके बाद अन्य दलों ने जो टिकट फाइनल किए, चाहे उसमें बसपा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, तो अब समाजवादी पार्टी अन्य दलों के जो टिकट फाइनल हो रहे हैं उस हिसाब से वो अपना गुणा भाग जो है उसको लग रहा है कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने यहाँ इनको खड़ा कर दिया तो इनको यहाँ से वहां कर दिया जाए, ये मुझे लग रहा है अखिलेश यादव की गणित है। और दूसरी चीज ये कि अखिलेश यादव की, या हर दल ये करता है, अखिलेश यादव की एक सर्वे एजेंसी है जिससे वो क्षेत्रों का सर्वे रिपोर्ट आती है, उसमें भी वो क्रॉस चेक बार बार करवा रहे हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही है। मुख्य बात यह है कि जहां वो तय कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया है, तो उनको लग रहा है कि यहां पर ये, क्योंकि भाजपा मजबूत हो जाएगी तो यहां पर ये चेंज कर दो जाति के लिहाज से या किसी के लिहाज से। मैं सुधा जी की एक बात को दोहराना चाहूंगा, आज का विषय जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है, वरुण गांधी आखिर कहां जाएंगे। अब एक बात निकली वरुण गांधी के भाषण की, सुधा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और बात सही भी है कि जब आदमी किसी पार्टी के विरोध में होता है तो जाहिर सी बात है उस पार्टी को बुरा कहता है, उसके बयान भी जैसे राजभर जी की, उनकी उन्होंने कही कि राजभर जी जब भाजपा के विरोध में थे तो उनको बुरा कह रहे थे, आज भाजपा के साथ लिए कि ये संस्कृति है पार्टियों की। लेकिन यहां सुधा जी ये बात नहीं हो रही है, यहां वरुण की ये बात नहीं हो रही है कि वो किसी का विरोध कर रहे थे, यहां पर एक समुदाय की बात हो रही है। एक समुदाय है अल्पसंख्यक समुदाय जिसको मुस्लिम समुदाय, ये बड़ा भावुक वोटर होता है और ये बड़ी भावनाएं इसकी भड़क जाती है। इसके बारे में कहा जाता है, सर जानते हैं कि जिस तरीके से कल्याण सिंह जब किसे दोस्ती हो गई मुलायम सिंह जी की ही, तो मुसलमानों को इतना, उन्होंने ये नहीं लगा कि समाजवादी पार्टी का विकास हो जाएगा, इतना बड़ा नेता पिछड़ी जाति का आ गया, अब हम लोगों का पाला भारी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तो मंदिर मस्जिद तोड़ने गए थे ना, अगुवाई तो इन्हीं की थी ना, उन्होंने मुलायम सिंह के सफाया कर दिया लोकसभा चुनाव में। तो यहां पर वो विपक्ष का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है 20% उत्तर प्रदेश में, उसके मन में ये है कि वरुण गांधी ने हमारी जात के लोग, हमारे धर्म के लोगों को गालियां दी थी, उन्हें कहा था हम हाथ काट देंगे या फला ढमाका इस तरह का, खैर उसको दोहराना नहीं चाहिए, वो विवादी चीज होती है, लेकिन एक आपत्तिजनक कुछ बयान दिए थे। तो ये पार्टी को उसने, उन्होंने बयान नहीं दिए थे जो उनके विरोध में पार्टी थी, उन्होंने उस समुदाय के बारे में इतना कहा था और इतना प्रचलित ये चीज हुई थी कि आज वरुण गांधी का जब चेहरा आता है तो दो तस्वीरें आती हैं। उसी में जेल भी गए थे वरुण, ठीक है नवीन भाई, ठीक है, उसी में वरुण जेल भी गए थे, एटा की जेल में बंद रहे थे वरुण। उस वक्त वरुण को ऐसा लग रहा था कि मैं फेनेटिक स्पीच देने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया, अब इसमें मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहा, मैंने नया ट्रेंड सेट कर दिया, मैंने कहा सीधे मैं काट दूंगा, और ऐसे ठोक के कहा था काट दूंगा काट। तो वो पार्टी और नेता के खिलाफ नहीं बोल रहे थे, वो भारत के एक समाज के विरुद्ध बोल रहे थे, वो मसला मैंने कहा था। खैर सुधा जी वो बात छोड़ दीजिए, वो तो अदालत में चला फिर मुकदमा, जो भी हुआ होना हुआ हुआ। सुनने में आ रहा है कि अगर मेल मिलाप हो गया परिवार में, वरुण गांधी पार्टी में आने का मसला नहीं है, वरुण गांधी का परिवार में मेल मिलाप होना है, पार्टी तो सेकेंडरी चीज है, पार्टी में तो एक मिनट में हो जाएगा अगर परिवार में हो जाए तो। सुनने में आ रहा कि अखिल रायबरेली से उम्मीदवार हो सकते हैं वरुण गांधी, इस बात में कुछ दम है सुधा जी? देखिए अमिताभ जी, इन बातों पे लेके मैं प्रवक्ता हूं, मैं कोई आधिकारिक बयान देने वाली नहीं हूं, ऐसा कुछ भी होगा तो वो आधिकारिक रूप से उसका बयान आएगा। हम चाहते हैं कि जिस तरह से एक ऐसा नेता, अभी आप लोगों ने बयानों की बात की,
भाजपा में ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने कम्युनिटी के समुदाय जाति के बारे में ऐसे ऐसी बातें बोली हैं, ऐसे ऐसी बातें बोली हैं जो उनके गले की फांस नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि उनको बनने नहीं दिया गया। तो यहाँ बयानों की बात तो बिल्कुल ना करें, नहीं तो जानते हैं आप कि किसके किसके गले में क्या क्या आएगा। आप सब जानते हैं कौन कौन से बयान आए हैं और कम्युनिटी के खिलाफ आए हैं और बार बार दिए गए हैं, यहाँ तक कि सीधे दिल्ली में बोल दिया है ये करो वो करो और गोली मारने वाले क्या 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 बात की गई है। तो बातों की तो मत कहिए, क्योंकि बातें करने वाले अभी बहुत से रायचंद हैं और बोलचंद हैं जो इस देश में राजनीतिक रूप से भाजपा में बैठे हुए हैं और कोई कार्यवाही उन पे नहीं होती है, उसकी आप बात कर दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ बात हो रही है कि अगर वो परिवार में आते हैं तो जाहिर सी बात है जिसके आने से मजबूती मिलेगी हम चाहेंगे वो आए, क्योंकि इनके पास जब तक कोई व्यक्ति इनके फायदे का नहीं होता है वो उसको तवज्जो नहीं देते हैं। अभी कैसरगंज की सीट को आप लेके देखेंगे, जो बेटियों की सम्मान की बात और जिनके लिए जीने मरने की बात होती है, उस बेटी के सम्मान की रक्षा के लिए क्या करने वाले लोग हैं। मणिपुर का नाम आज तक नहीं आया है, न मणिपुर जा पाए हैं, ये लोग क्या करते हैं भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो ऐसी बातों को लेके कहने से बेहतर है कांग्रेस पे प्रश्न किया जाए, पहले जो सरकार मौजूदा जनादेश के साथ बनी हुई है उस पर प्रश्न किए जाए कि उन्होंने अपने सियासी रूप में क्या किया हुआ है। कांग्रेस ठीक है, अब रुक जाओ सुधा, आगे बढ़ अच्छे से आगे। अब तो बहुत ज्यादा समय ही नहीं बचा, अब तो सबकी कापी जनता जांचने जा ही रही है। बिल्कुल, क्या उद्धव और क्या माधव सबकी कापी जांचेगी, नंबर 4 तारीख को सामने होंगे, हम उस पर डिबेट कर रहे होंगे। सीएवर रामचंद्र की जय, अब कहां भटकना है भाई, अब तो सबकी कापी जांचने वाली है। फराज किदवई साहब, वरुण गांधी के लिए समाजवादी पार्टी में हमने सुना था कि वरुण गांधी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है उनके लिए, ठीक है, लेकिन सपा ने सबसे पहले पीलीभीत में अपना झोला रख दिया। नहीं, जैसे बस में हम लोग झोला रख देते सीट घेरने के लिए कि भैया वरुण गांधी इधर हो उधर हो, हमने उम्मीदवार घोषित कर दिया भगवत शरण गंगवार। खैर, अब जो स्थिति होनी थी होगी। क्या सपा को ऐसा लगता है जैसे सुधा जी कह रही हैं कांग्रेस की या अधीर रंजन कह रहे हैं कि वरुण गांधी आएंगे तो फायदा होगा, मजबूत नेता हैं, बड़े नेता हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आप जो लाइन लेंथ लेके चल रहे हैं वोट की, वरुण गांधी के आने से फायदा होगा या कहीं कुछ मामला और फंसता नजर आएगा? फराज किदवई, रामपुर रामपुर, बरेली, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कांधला, कैराना, संभल, अमरोहा, इन इलाकों में वरुण के आने से मजबूती मिलेगी सपा को या मामला फंसेगा? फराज किदवई साहब, अमिताभ जी देखिए ये सब काल्पनिक बातें हैं कि वरुण गांधी जी आएंगे कि नहीं आएंगे कि क्या होगा। चलिए छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, फिर जब आ जाएंगे तभी बात कर लेंगे, फिर छोड़ ही दें फिर तो नहीं। फराज भाई जैसा बताइए। नहीं नहीं, अगर राजनीति पर विमर्श ऐसे होगा कि भाई ये तो घटना घटेगी तब तब तो फिर 4 तारीख को ही चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले सब शांत होना रहना चाहिए। नहीं भाई, परिणाम आ जाए तभी ना वास्तविक होंगे। देखिए अमिताभ जी, जैसे आपने बोला कि हमने पीलीभीत से अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, समाजवादी पार्टी प्रोएक्टिव तरीके से, हम तो 2027 की तैयारी अभी से कर रहे हैं। हमारे 403 विधानसभा में हमारे जो संभावित कैंडिडेट्स हैं वो विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर हम इस बात का इंतजार करेंगे कि अगर वरुण जी आएंगे तो ये होगा, अरे अब इलेक्शन में कितने दिन बचे हैं, अब अगर वरुण जी आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और वरुण गांधी जी बैठ करके डिसाइड कर लेंगे। अभी हमारा और अब हम लोगों का डिस्कशन हो रहा था तो तमाम बातें हुई जिसमें शायद किसी हमारे वक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी, शायद आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो उसने कुछ कैंडिडेट्स को चेंज किया, फराज का टिकट कटा तो नवेद जी को मिला, नवेद जी का कटा तो सुधा जी को मिला। देखिए भारतीय जनता पार्टी से कोई सवाल नहीं पूछता है, वडोदरा से जब प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे तो रंजन भट्ट जी को टिकट मिला था, वहां से सांसद थी, उन्होंने बीजेपी का टिकट क्यों वापस कर दिया, इसको कोई नहीं पूछता है। अमिताभ जी, भीखाभाई ठाकुर ये गुजरात से ही, इनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट क्यों वापस कर दिया, इस पे अमिताभ जी कोई चर्चा नहीं होती है। विजेंद्र सिंह राहुल कसवान ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। सिटिंग एमपी जयंत सिन्हा जी, गौतम गंभीर, सनी देओल, जसवीर कौर, ये सब भारतीय, ये सब मना कर देते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, इनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है भरत भाई, समाजवादी पार्टी
ठीक है, 103 लोगों के टिकट भाजपा ने काटे हैं अपने एमपी सिटिंग एमपीज के, आप उनकी लिस्ट तैयार करो, आप उन पर चर्चा करो, को रोक रहा है, को पुलिस पकड़ रही है, चर्चा करो, आप 103 पे करो, आकोर ठाकुर सब लेके लक्षद्वीप तक जाओ, कौन रोक रहा है? मैं आपके भले के लिए कह रहा था कि उत्तर प्रदेश में ध्यान रख दे, अब आप ठाकुर तक जाना चाहते, हम तो 103 बता दिए कटे हैं, सबकी लिस्ट बनाओ रोज उन पर शास्त्रार्थ करो, उससे कुछ लाभ आपको होता हो, मेरी शुभकामनाएं। ठीक ठीक, अब रुक जा भाई, अनुभव चक, अनुभव चक, कांग्रेस अचानक से ये कह रही है कि वरुण गांधी देश के बड़े नेता हैं और उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, आपको भारतीय जनता पार्टी को कुछ डर लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है वरुण बड़े नेता हैं काफी। देखिए अमिताभ जी, हमारी पार्टी में कोई बड़ा और छोटा नेता नहीं, सभी कार्यकर्ता हैं और सभी कार्यकर्ताओं को जो ऊपर से दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके अनुरूप कार्य करना होता है और जमीन पे रहकर जनता का जो भला हो सके उसके लिए तो प्रयास करना पड़ता है। लेकिन जहां तक अभी बात समाजवादी पार्टी की हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी के जो हमारे साथी बैठे हुए हैं अमिताभ जी, आपको भी पता है 2019 में जब मुख्तार अंसारी के भाई अखिलेश यादव जी से समझौता करने के लिए बार बार प्रयासरत थे, उस समय किस तरीके से उनके लिए दरवाजे, शायद 2017 था, 19 में गलत कह रहा हूँ, 2017 में किस तरीके से उनके लिए दरवाजे बंद करे गए थे और ये कहा गया था कि हमारी पार्टी में गुंडे माफियाओं के लिए जगह नहीं है। आज वही मुख्तार अंसारी के भाई आपकी पार्टी से लोकसभा के चुनाव के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उन्हीं के भतीजे जो आपकी पार्टी से विधायक है, कि रातों रात कैसे इतना बड़ा हृदय परिवर्तन हो गया कि जिनके लिए आपके दरवाजे बंद थे, जिनको आपने खुद गुंडा माफिया कहा था, जिनके लिए आपने कहा था कि अब ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो गुंडों माफियाओं को प्रश्रय दिया करते थे, आज फिर से उन्हीं गुंडों माफियाओं को वापस अपनी पार्टी में लेने के लिए आखिर आपको मजबूर क्यों होना पड़ा? आखिर क्यों आपको उसी सोच को अपनाना पड़ा कि इन्हीं गुंडे माफियाओं के दम पे समाजवादी पार्टी को वोट मिलेगा? जनता अब बिल्कुल इन बातों को देख कर वोट करेगी, इन गुंडे माफियाओं से डर का माहौल उत्तर प्रदेश में नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गुंडे माफियाओं को उनके बिलों में भेजने का काम करा है, जनता जो है निडर होकर वोट करेगी और आपको इन कुकृत्यों का जवाब इस चुनाव में देने जा रही है। 4 तारीख को हम और आप फिर से पैनल में बैठेंगे, सुपड़ा साफ हो चुका होगा, 80 में 80 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, वो तो 80 में 80 जीते, कितनी जीते मैं इसके लिए 4 तारीख का इंतजार जरूर करूंगा। ये काम या तो ज्योतिषी करें या सेफोलॉजिस्ट करें, मेरा काम नहीं, मैं तो जनता का रिपोर्ट कार्ड देखूंगा तभी मानूंगा, अंधा तब पतियाए जब कौरी भर पाए, देख लूंगा कि जनादेश आ गया तो मान लूंगा। वरुण गांधी के मसले पर मेरी समझ ये कहती है कि ज्यादा वरुण गांधी के व्यक्तिगत औरा के लिए ज्यादा बेहतर रास्ता नहीं होता क्या नावेद शिको, कि वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव लड़ते पीलीभीत से और एक बड़े मार्जिन से जीत कर दिखाते तो प्रदेश और देश में एक मैसेज जाता कि वरुण गांधी अपने पैरों पर खड़े नेता हैं, पार्टी उनके लिए मैटर नहीं करती। और अगर आप मैदान ही छोड़ने लग जाएं, कहें जी अब लड़ेंगे ही नहीं, तो फिर आप बड़े नेता हैं ये नहीं चलेगा, आप नेता हैं, नेता तो कोई भी हो सकता है, जिसने चुनाव लड़ा वो नेता है। और कल्याण सिंह का उदाहरण नावेद शिको ने दिया, बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण है। कांग्रेस को कोई उत्तर प्रदेश में संकट नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश में, कुछ भी नहीं, राई रत्ती। वरुण गांधी को ले आओ और चाहे किसी को ले आओ, चाहे कोई चला जाए, उससे कोई बहुत फर्क अब नहीं पड़ना कांग्रेस में। मान लीजिए 2-4 लोग छोड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं, और 2-4 और आ जाए तो कोई फर्क नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास तो है, मैंने कुछ इलाकों के नाम लिए थे, मैं अपनी समझ से कहूंगा, हो सकता मेरा आकलन गलत हो, उन इलाकों में सपा के लिए दिक्कत हो जाएगी अगर वरुण गांधी इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश में कैंपेन करेंगे जाकर। कागज पर तो कल्याण सिंह और मुलायम सिंह का मिलन छोटा मिलन था क्या? हिमालय तक जानी चाहिए थी पार्टी को,
कांग्रेस को बैठे बैठाए मुफ्त में 22-21-22 एमपी तभी मिले थे ना, मुलायम सिंह से नाराजगी के चलते मुसलमानों की। यह अलग बात है कांग्रेसियों ने उसका श्रेय राहुल जी के गले में डाल दिया, बोले राहुल जी आए हैं नई रोशनी लाए हैं। क्या वो राहुल जी की रोशनी नहीं थी? वो कल्याण सिंह मुलायम सिंह का मिलन था जिसके चलते ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि मुलायम सिंह की पार्टी जमीन पर आ गई। मुझे लगता है कि वरुण गांधी, मेनका गांधी जितने भी जुझारू नेता नहीं है, मेनका गांधी में संघर्ष करने की क्षमता जब तब भी रही। वो राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी, उनको पता था कि हम जीत नहीं सकते, संसाधन और सब चीजें एक तरफ थी। दो बार निर्दलीय पीलीभीत से लड़ी मेनका गांधी और जीत कर आई। वरुण गांधी ने अभी तक ऐसा कोई इम्तिहान नहीं दिया जो उनको बड़ा नेता बताए। सुधा जी ने कहा हम उसमें प्रतिवाद नहीं करेंगे, सुधा जी की आजादी है वो उनको बड़ा नेता माने। अभी सिर्फ इतना है कि उनके नाम के आगे सरनेम में गांधी लिखा है। राजनीति का कोई इम्तिहान अभी वरुण गांधी ने नहीं दिया जिसमें वो फर्स्ट डिवीजन पास हुए हो, कोई भी इम्तिहान नहीं दिया। ये पहला इम्तिहान होता अगर वो निर्दलीय लड़ जाए तो। अब कांग्रेस में जाएंगे नहीं जाएंगे, रहस्य रोमांच दो चार दिन में वो भी क्लियर हो जाएगा। पीलीभीत का मसला तो कल ही साफ हो जाएगा। अब रामपुर आते हैं, फराज भाई आपकी पार्टी कुछ भी कहे, ये सच है कि आजम खान का मन आहत है, ये सच है। इसी के चलते उन्होंने कहा कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं है, बरखुरदार आप अपने परिवार से लाओ और लड़ाओ और जिता के दिखाओ। अब सुनने में आ रहा है कि रामपुर में चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फराज भाई यह और भी मसला गंभीर हो रहा है, सुनने में आ रहा है कि नावेशिको कि रामपुर में सपा बहिष्कार करेगी चुनाव का। जल्दी से इस पर एक टिप्पणी ले लें। अभी कंफर्म है मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसी बात आई है मेरे कान में नावेशिको। मैं समझता हूँ कि इस तरह का बहिष्कार जो है ये मतलब एक ये बात ठीक नहीं होगी और लोकतंत्र के खिलाफ होगी, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये सरकार जो है निष्पक्ष चुनाव नहीं कराती तो रामपुर क्यों, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में आप बहिष्कार कर दीजिए। ये कौन सी बात हुई कि सारा मतलब बलि का बकरा आप आजम खान को ही बनाएंगे? सारी बेईमानी सिर्फ रामपुर में ही होती है क्या? उत्तर प्रदेश में आप सब ईमानदारी से चुनाव होगा, बहिष्कार या तो यहां से मत करिए या फिर सब जगह से कर लीजिए। सरकार तो एक ही है, ठीक है ना वैशिको, रुकना होगा ना। फराज किदवई साहब, मोहम्मद आजम खान उनको उन्होंने चिट्ठी लिखवाई है अजय सागर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी रामपुर से अपनी तरफ से। उसका जिस्ट ये है, ऐसे माहौल और हालात में हम वर्तमान चुनाव का बायकॉट करते हैं। रामपुर के वर्तमान चुनाव के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही निर्णय लेंगे। आजम खान ने बहिष्कार कर दिया, बायकॉट कर दिया, इसका क्या मतलब है फराज किदवई? पता नहीं आप किस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि विपक्षी साजिश भी होती है कि तमाम तरह की चिट्ठियां लिखवा दी जाती हैं और चीजें होती हैं। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाजवादी पार्टी किसी भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजम खान लोकतांत्रिक नहीं है। नहीं मैं, अरे आजम खान साहब का कौन सा बयान है, कौन सी चिट्ठी है, किस चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं आप? वो ऑफिशियल पैड पर लिखी है, सादे कागज पर लिखी है, उनके साइन है कि नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं ना अमिताभ जी। और दूसरी बात, फराज भाई समय कम है, ठीक ठीक अच्छी बात है। गजब, रुक जाओ फराज भाई, रुक जाओ, मैं एक टिप्पणी इनसे भी ले लूं अनुभवचक से। गजब बात करते हो, प्लेन पेपर पर अनसाइंड सो कॉल्ड ऑर्डर केजरीवाल का, उसको वेद का श्लोक मान के घूम रहे हो, है
और यहां कह रहे हो कौन सी चिट्ठी प्लेन पेपर पर लिखी है कि नोटरी कराया है कि मजिस्ट्रेट के दस्तखत किए कि नहीं किए। आजम खान जेल में बंद है भैया, उनका केजरीवाल की प्लेन चिट्ठी गले में लटका घूम रहे हो, करे असली ऑर्डर आ गया असली, और आजम खान की चिट्ठी गरीब की करे फर्जी होगी कुछ नहीं। बताओ ये हाल आजम खान साहब का, अब ऐसा भी ना करो, बड़े नेता है महाराज। खैर अनुभव चक ये नहीं समझ में आया, आजम खान ने जिला अध्यक्ष के समेत कह दिया हम बायकाट कर रहे हैं चुनाव का, अब बाकी अखिलेश यादव जाने। लब्बुलवाब ये है एक लंबी चिट्ठी का, इसका क्या मतलब मैं समझा नहीं, क्या बताना चाह रहे हैं आजम खान? देखिए अमिताभ जी, ये वैसे तो विपक्ष के दल के नेताओं का आपसी मसला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आजम खान की पीड़ा को भी दिखाता है कि आजम खान अखिलेश यादव से संतुष्ट नहीं है। ये लगातार चर्चा में आता रहता है कि अखिलेश यादव को जिस तरीके से आजम खान के साथ खड़ा होना चाहिए वैसा नहीं खड़ा हो पाए, लेकिन ये इनका अंदरूनी मसला, ऐसे तो शिवपाल जी भी संतुष्ट नहीं, शिवपाल जी अपने बेटे के लिए चाहते उनको नहीं। और एक चीज मैं लेकिन फराज भाई को संतुष्ट कर दूं ताकि मेरी बात हो तो पुख्ता हो। फराज भाई कौन असंतुष्ट है? अनुभव भाई कह रहे हैं कि आजम खान असंतुष्ट है, लेकिन मैं आपको संतुष्ट करूं, मेरा फर्ज है। नावेद भाई आप भी सुन लीजिए, ये जो बात चिट्ठी मैंने पढ़ी इसके लिए समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल दफ्तर में रामपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चिट्ठी सुनाई गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। फराज किद भाई आप मत कहना कौन सी चिट्ठी कहां से आ गई, फर्जी है असली है नकली है क्या? मैंने कहा था मैं अगर कोई बात उठाऊंगा तो ठोक बजा के उठाऊंगा। मैंने कहा था कि आजम खान आहत हैं, उनने बांध दी घंटी, किसके गले में अभी आप तय करो। नावेश को एक आखिरी टिप्पणी हो, फराज भाई तो आप क्या बोलेंगे अभी, वो समझेंगे पार्टी से क्या लाइन है। लेकिन ये क्या उनने चाचा ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी, सीतापुर जेल में रहते रहते खेल ही पलट दिया। आजम खान को ये मलाल है कि सीट पर हार की वजह समाजवादी पार्टी को वो जिम्मेदार इसलिए मानते हैं क्योंकि उस सीट पर समाजवादी कुनबा मेहनत नहीं करता है, ये पिछले चुनाव में नजर आया और यही तंज बार बार आजम खान के नजर आ रहे हैं उस हार के पीछे, जहां वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहते हैं पर्दे के पीछे से वो तंज करते हैं कि समाजवादी पार्टी भी इस सीट को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती। अच्छा लो भैया एक और बात इस चिट्ठी में आजम खान कह रहे हैं कि विशेष परिस्थितियों को देखते हुए रामपुर की हमने अखिलेश यादव जी से रामपुर से चुनाव लड़ने का आग्रह किया था। फराज किद भाई हमारा विचार था कि इन हालात में अखिलेश यादव को रामपुर से चुनाव लड़ना आवश्यक है, हम समझते हैं कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद महत्वपूर्ण सीट है जिनका जीतना जरूरी है, इन इस सबके बाद रामपुर का नंबर आता है क्या? फिर रामपुर कौन जीतेगा क्वेश्चन मार्क, चाचा आजम खान। अब तो कुछ कहने को बचा नहीं, अब तो मेरे ख्याल से कुछ कहने को बचा नहीं ना फराज किद भाई साहब। अमिताभ जी देखिए, अगर मान लीजिए मेरे सामने भी ये चिट्ठी नहीं है और ना ही मुझे इस प्रकरण के बारे में अभी कुछ पता है, लेकिन फौरी तौर पे अगर मान भी लें कि ये सही है फौरी तौर पे, तो अगर अगर आदरणीय आजम खान साहब ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये अनुरोध किया है कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, तो ये तो उनका प्यार है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? ठीक, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं चाहेंगे कि मोदी साहब उनके क्षेत्र से चुनाव लड़े? क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भरत भाई नावेश को आजम खान कह रहे हैं कि रामपुर की जनता को जो जलन और जख्म मिले हैं उनकी तपिश कम करने के लिए अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए रामपुर से। वो तेज प्रताप पर भी मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे सीधे अखिलेश यादव को लाओ, एटा, बदायूं, आजमगढ़ क्या खास है? उनकी चिट्ठी के टोन देखिए, वो कह रहे आजमगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं क्या अलग बड़े ये वो है और रामपुर की कोई हैसियत नहीं, उसका नंबर बाद में आएगा क्या? नवेशिको
आपका बिल्कुल जायज सवाल है, इस बात में कोई शक नहीं है कि समाजवादी पार्टी उन सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जद्दोजहद करती है जो यादव परिवार की है। आजम खान की ये मंशा है कि ये मुलायम सिंह यादव जी आजम खान को अपना भाई मानते थे और वो भी उस परिवार का हिस्सा है, अब जब अपने सारे किलों को बचाने की कोशिश में तुम कामयाब होते रहे हो तो ये किला बेचारा क्या लावारिस है, इसलिए कि वो अल्पसंख्यक है, वो मुसलमान है, वो यादव परिवार से नहीं आते हैं। इस तरह का ये तंज एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए गले की हड्डी बनेगा। फराज भाई एक आखिरी बात और फिर बहस समाप्त करेंगे, समय कम है, कि उन्होंने जितनी सीटों का नाम लिया है आजम खान ने, वो सारी सीटें वो हैं जहां से यादव परिवार चुनाव लड़ता रहा है और लड़ रहा है, ठीक। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि क्या आज रामपुर का नंबर इनके बाद आता है, अब इसकी व्याख्या और तो कोई नहीं हो सकती। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितना आजमगढ़ का महत्व है उतना ही बाराबंकी का है, तो फिर नासमझ है आजम खान मेरे ख्याल से। नहीं 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 बिल्कुल नहीं। देखिए आजम खान साहब, मैंने अभी बोला ना कि आदरणीय आजम खान साहब की जो जिस तथाकथित चिट्ठी का जिक्र कर रहे हैं वो मेरे पास नहीं है, ठीक। और मुझे लगता है कि आपको जहां से भी आई है वो अभी आई है, तो पहले तो मैं वो चिट्ठी पढ़ूं, उसको अंडरस्टैंड बिल्कुल बिल्कुल जवाब ले लिए। एक कमिटमेंट दे रहा हूं कि आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के अभिभावक हैं और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों में हमेशा से समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। आदरणीय आजम खान साहब का आशीर्वाद समाजवादी के पार्टी पर था। ठीक ठीक ठीक, अब रुक जाना होगा किदवई साहब। अब बताओ किदवई साहब ने समाजवादी पार्टी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आजमगढ़ सो रामपुर, जो मैनपुरी सो रामपुर, इसका मतलब आजम खान ना समझ है, 50 साल हो गए उनको सियासत में, है मिक्की मियां के खिलाफ मोर्चा खोल के आए थे राजनीति में, आज के 50 साल हो गए उनको, अब उनको बता दिया कि वो ना समझ है, उनको लोकतंत्र नहीं आता, बताइए वो आज के हैं कोई लड़के हैं क्या आजम खान? अब इस चिट्ठी के बाद कुछ बचाना ही मित्र हो गया जो होना था। मैं जितना आजम खान को जानता हूं वो उधार नहीं रखते, नुकसान हो चाहे फायदा, नावेद गलत तो नहीं कह रहा, सही, उधार नहीं रखते, चाहे जेल और 2 साल काटने लेकिन रखते उधार नहीं ना। उनके मन में जितना था उनने चिट्ठी में लिख दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करा चिट्ठी कर दी जारी, बोले जाओ लड़ो, अब लड़िए। और 1,00,000 का प्रश्न ये, आजम खान चुनाव से अलग हो जाएं, मतलब समाजवादी पार्टी के चुनावी उससे अलग हो जाएं, उसको पुश नहीं करें, तो समाजवादी पार्टी वहां चुनाव लड़के भी क्या करेगी? जब आजम खान खुद लड़ रहे थे चुनाव तब तो जीतना मुश्किल नहीं हो गया, जीत नहीं पाए, अब वो और हट जाएं तो वहां कौन सी साइकिल चला लोगे, ये भी तो सवाल है। अरे 31% 32% जो वोट पड़ा उसमें आजम खान का ही वोट रहा होगा ना, और जब चाचा ने कह दिया कि भाई हम तो अलग हुए, किवाड़ बंद करो। मैं पहली बार ऐसा दृश्य देख रहा हूं कि ऐसी स्थिति आ गई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए। इसी बात को शुरुआत में नावेद कह रहे थे कि आजम साहब के तंज को समझिए, उनकी नाराजगी और गुस्से को समझिए, तो आप लोग गोल गोल कर रहे थे कि नहीं ये तो लोकतंत्र है, देखो लोकतंत्र आ गया ना लोग, ठीक है उन्होंने लोकतंत्र में वायकाट कर दिया, और हम लोग तो सोच रहे थे तेज प्रताप का मसला है अनुभव चक, लेकिन आजम खान तो करे ना, अखिलेश यादव ही लड़े चुनाव तभी हमारा जो जख्म है वो भरेगा। क्या आजम खान की इस मुराद को समाजवादी पार्टी पूरा करने की स्थिति में है? नवशी को एक छोटा सा कमेंट, क्या अखिलेश यादव इस चिट्ठी के बाद यह अनाउंस करने की स्थिति में है कि यस आई विल फाइट फ्रॉम रामपुर, मैं लड़ूंगा रामपुर से चुनाव? मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को ये उनकी बात मानना पड़ेगी, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत समझदार है, कांग्रेस के साथ उनकी जितनी सिर्फ फुटबॉल चल रही थी लेकिन उन्होंने समझौता इसलिए किया, उनको लग रहा था कांग्रेस अगर अलग होता आती तो मुस्लिम वोट बैंक बिखर जाएगा, वही उनकी ताकत है। लेकिन आजम खान की बात अगर उन्होंने नहीं मानी तो उनको यही लगेगा कि मुसलमान वोटर अपने घर में बैठ जाएगा और वोट देने नहीं निकलेगा, इसलिए मुझे लगता है समझदारी यही है, पॉलिटिकल उनकी समझ अगर जरा सी भी मजबूत होगी तो उनको आजम खान की यानी अपने चचा की बात को मानना ही पड़ेगा। अनुभव चक,
क्या लगता है अखिलेश यादव रामपुर से लड़ेंगे? चलिए, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी इसमें अभी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेगी, लेकिन कुल मिला के एक बड़ा दांव आजम खान ने खेला है और ये समाजवादी पार्टी की राजनीति में तो एक नया अध्याय जुड़ गया, नया कोहराम हो गया। उत्तर प्रदेश की जो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स है उसके लिए भी आजम खान की चिट्ठी बहुत मतलब रखती है। बड़े संदेश हैं इसके, बड़े निहितार्थ हैं। धन्यवाद।